हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू ऐड टू नंबर यूजिंग मेथड, यानी कि मेथड का यूज करके कैसे हम दो नंबर को ऐड कर सकते हैं वो इसमें देखेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा इसके लिए, आपको यहाँ पे तीन वेरिएबल लेना होगा। वो होगा हमारा इंट ए बी और एक होगा हमारा लेफ्ट सी। तीन हमको वेरिएबल यहाँ पे लेना होगा। उसके बाद क्या करना होगा आपको, यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैं आऊँगा स्कैनर और स्कैनर इसका जो न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो यहाँ पे लिख दिया हम सिस्टम डॉट इन। यह हमारा होगा इनपुट लेने के लिए। और हम जैसे पहले लेंगे इनपुट में पहला नंबर, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो ए लिए थे ए को ही लेंगे, ए में स्टोर करेंगे। तो ए इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे डबल नहीं बल्कि यहाँ पे इंट होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ इंट लिए हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यह इसके लिए हमको एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे यूजर को कि क्या करें वो सिस्टम आउट ऑन प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखेंगे हम इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और उसके बाद से या इसको हम स्टोर कर देंगे। फिर नेक्स्ट एक और हम जैसे इनपुट में लेंगे, उसके लिए मैसेज प्रिंट करेंगे और वहाँ लिखेंगे हम इंटर सेकेंड नंबर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, बी लेंगे वेरिएबल जो अभी ऑलरेडी मैं पहले से इनिशियलाइज किया हूँ, इसमें स्टोर करूँगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल नहीं, यहाँ भी क्या होगा हमारा इंट होगा नेक्स्ट इंट। हमने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिया, एक लिया ए और एक लिया हमने बी, और हमको क्या करना है जो सी बनाया हूँ इसमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके स्टोर करना है, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि इसको मैं मेथड की मदद से करूँगा, तो मेथड अलग से बनाएंगे इसको, उसमें क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे। तो एक क्लास हमारा यहाँ से डिफाइंड है, तो मैं इस क्लास के बाहर आऊँगा यहाँ पे, और एक बनाऊंगा फंक्शन जो कि मेथड होगा स्टैटिक, और यहाँ पे इन टाइप का एक भी होगा और एडिशन, ठीक एडिशन होगा। और इसके अंदर मैं दो वेरिएबल पास करूँगा पैरामीटर इंट एक्स और इंट वाई, ठीक। अब इसको रिटर्न कर दूंगा मैं, रिटर्न कैसे करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और रिटर्न, और जो भी हमारा है एक्स, एक्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है या क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल को तो मुझे जोड़ना है, तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा यहाँ पे आऊँगा और एक्स प्लस वाई करूँगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो एडिशन है वो हो गया है। अब इस जो मेथड उसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पे आकर, तो यहाँ आऊँगा सी जो मैंने वेरिएबल लिया था उसमें स्टोर करूँगा इसको सी एडिशन, और इसमें दो वेरिएबल पास करना होगा ए और एक बी, बस हो गया। और यहाँ पास आउट कर देंगे हम रिजल्ट को, यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर इज एडिशन ऑफ टू नंबर इच, और यहाँ पर क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, और जो भी हमारा सी है उसको प्रिंट कर देंगे। और कंट्रोल सेव करेंगे, इसको यहाँ से आएंगे, इसको रन करेंगे, देखिए हमारा रन शुरू हो गया। थोड़ा वक्त लेगा यार, पहले हमको फर्स्ट नंबर डालना होगा, फिर सेकंड नंबर डालना होगा, उसके बाद से इन दोनों नंबर का एडिशन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर मांगा है तो मान लीजिए मैंने डाल दिया 5, सेकंड मांगा है मान लीजिए मैंने डाल दिया 6, तो हमारा देखिए 11 जो आंसर है वो आ गया। तो यह हमने बनाया कि इसकी मदद से, मेथड की मदद से आप एक अलग से मेथड बना करके इसमें कोई भी नंबर डाल सकते हैं और उसके आधार पर इसको ऐड कर सकते हैं।